देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। निकाय चुनाव में देरी होने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नाराजगी जताते हुए नगर निगम चुनाव में देरी के लिए निर्वाचन आयोग ने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार के सिर पर ही ठीकरा फोड़ा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता कर निकाय चुनाव में हुई देरी पर शासन की ढिलाई की हकीकत को बयां किया। प्रेस वार्ता में निर्वाचन आयोग सुवर्धन ने कहा कि 22 सितंबर से चुनाव से संबंधित बातचीत के लिए आज तक मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिल पाया है। हालांकि विभागीय मंत्री और मुख्य सचिव चुनावी हकीकत से अवगत कराने में जरूर आयोग सफल रहा। सवाल यह है कि हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि जो ये सीमा विस्तार हुए हैं, जो ये उच्चीकरण हुए हैं, इससे अल्टीमेटली चुनाव जो है समय सीमा पर नहीं हो पाएंगे। लेकिन शासन की तरफ से बार बार हमको आश्वस्त किया जा रहा था कि हम सब कुछ समय से करके दे देंगे और समय पर चुनाव कराएंगे। जो आखिरी पॉसिबल स्लॉट था मेरे पास, वो सिर्फ यही था कि 2 तारीख को जो है अधिसूचना शासन की हो जाए और 3 को मैं कर दूँ, बाकी तो हम 3 मई से पहले चुनाव करा लेंगे और 4 मई को नया जो बॉडी है वो मतलब वो जो है टेक ओवर कर लेगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि न तो प्रदेश में परसीमन का काम पूरा हुआ है, परसीमन पहले काम होता है, परसीमन होने के बाद वोटर लिस्ट की बात होती है और आरक्षण की कौन वार्ड कौन नगर निकाय किसके लिए आरक्षित किया जा रहा है, वहाँ कौन लड़ेगा, यही चीज़ स्पष्ट नहीं है। ये दोनों काम शासन स्तर से पूर्ण करने थे और वो पूर्ण नहीं है तो इसका मतलब शासन का काम पूरा नहीं है, सिंपल सी बात है। तो क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि समय से चुनाव करने के लिए यथासंभव कोशिश करें, तो मेरे पास सिवाय इसके कि मैं हाईकोर्ट मूव करता कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हम हाईकोर्ट चले गए। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।